अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि एक वक्त आया था कि जब पाकिस्तानी सिनेमा डूब चुका था और कोई अच्छी मूवीज़ नहीं आ रही थी जो देखने के काबिल हो, जिसकी वजह से जो हमारी सारी अटेंशन है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड को मिल रही थी और हम वो वाली सारी उनकी सारी मूवीज़ देख रहे थे और लॉलीवुड में कोई कॉन्टेंट नहीं था, कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से लॉलीवुड तबाह हो गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लॉलीवुड का रिवाइवल हो रहा है, लॉलीवुड जो है ना अपनी वापस अपने जोबन पे आना शुरू हो रहा है। जैसे कि हमने पहले देखते थे कि कोई मूवी आ रही है तो काफ़ी गैप से आ रही थी, जैसे कि वार हो गई या खुदा के लिए या फिर प्रोजेक्ट गाजी, ये जो मूवीज थी ये बहुत अच्छी थी लेकिन ये काफ़ी गैप के साथ आई थी। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि पहले 13 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज़ हुई, दी लेजेंड्स ऑफ मौला जट, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा उसको वर्ल्ड वाइड वो फेमस हुई है, उसको वर्ल्ड वाइड एक साथ रिलीज़ किया गया था 13 अक्टूबर को और उसने बहुत अच्छा बिजनेस कमाया है। और अब उसके बाद एक दूसरी फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में, ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी 11 नवंबर को। इस फिल्म का नाम है टच बटन। अच्छा, ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसका जेनर जो है वो रोमांटिक कॉमेडी है, रोम कॉम मूवी है ये। उम्मीदें इससे भी बहुत अच्छी हैं कि ये भी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, लोग इस मूवी को भी बहुत पसंद करेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कासिम अली मुरीद ने। अच्छा, इसकी अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसके जो दो प्रोड्यूसर्स हैं वो दोनों नए हैं, उन दोनों की ये पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं सलमान इकबाल और उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, पाकिस्तान की एक फेमस एक्ट्रेस हैं और बहुत प्यारी हैं, तो वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं। अच्छा, इसकी स्टार कास्ट की अगर बात की जाए तो उसमें है फरहान सईद जो उर्वा हुसैन के शौहर हैं, हस्बैंड हैं उनके, फिर इमान अली भी हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है इसकी एक टॉप की एक्ट्रेस रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने मूवीज़ दी हैं, एक्ट्रेस और मॉडल हैं वो। सोनिया हुसैन है एक नाम इसमें और फिरोज खान, ये चार इसमें लीड कैरेक्टर्स हैं, इनके गिर्द फिल्म घूमती है। और अब यहाँ पर अगर हम एक और बात करें कि उस फिल्म में हैं सुहेल अहमद साहब जो एक पाकिस्तान के जाने माने कॉमेडियन हैं, वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। अच्छा, सुहेल अहमद की अगर बात की जाए तो सुहेल अहमद ने अभी रिसेंटली ही इंडिया में एक मूवी की है, जो एक पंजाबी मूवी उन्होंने की है और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है। और वो जो इंडियन मूवी है उसका जो मेन कैरेक्टर आप कह लें या वो किरदार जिसके गिर्द वो पूरी स्टोरी घूमती है, वो सुहेल अहमद ही हैं। अब वो उन्होंने अब इस पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा इस फिल्म पे या वो फिल्म कितना अच्छा चल सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुहेल अहमद मजाकरात में भी आते थे और वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक पाए के एक्टर माने जाते हैं। उर्वा हुसैन और फरहान सईद की अगर बात की जाए तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि इनकी अलहदगी हो गई है या इनकी तलाक हो गई है और ये किसी जगह पे इकट्ठे नज़र नहीं आते, तो इन्होंने एक फिल्म कैसे साथ कर ली। तो उसका मैं आपको जवाब देती चलूँ कि ये फिल्म जो है ये जब उनका उनकी बॉन्डिंग थी, उनका रिलेशनशिप सही चल रहा था, ये फिल्म तब से बन रही है 2019 फरवरी में ये फिल्म बनना शुरू हुई थी और उस वक्त फरहान सईद को कास्ट किया गया था और उर्वा हुसैन इसकी प्रोडक्शन कर रही थी और इस फिल्म ने रिलीज होना था ईद उल फितर के मौके पर 2020 में। जैसे कि सभी जानते हैं कि पेंडेमिक का दौर चल रहा था, कोविड उरूज पर था, तो उसकी वजह से ये फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था और अब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 11 नवंबर को। अब जब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है तो उस जो इवेंट था उसमें देखने को मिला कि फरहान सईद और उर्वा हुसैन एक दूसरे से बहुत खिंचे खिंचे नजर आए, कि जैसे क्योंकि आप सभी जानते हैं जब ये फिल्म्स के लॉन्च होते हैं, ट्रेलर लॉन्च होता है या कोई भी फिल्म से रिलेटेड इवेंट होता है तो पूरी टीम को जाना पड़ता है वहां पर, तो अब ये हमें साथ देखने को तो मिले लेकिन एक दूसरे से बहुत खिंचे खिंचे नजर आए, जिसका वही रीजन है कि इनके बीच में ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के साथ नजर आए। अच्छा, अब इनकी अलहदगी की जो खबरें हैं उस पर दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, दोनों में से किसी ने इस बात पे रोशनी नहीं डाली कि असल माजरा हो क्या रहा है, क्या वाकई इनकी अलहदगी हो गई है, क्या वाकई इनकी तलाक हो गई है, लेकिन दोनों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों चुप साधे बैठे हैं। अब इवेंट पे जब ये खिंचे खिंचे नजर आए तो उस पर बहुत सारे लोगों ने
इस बात को कंफर्म कर दिया कि इनकी अलैहदगी हो गई है। अब अलैहदगी हो गई है, उसके अगर रीजंस पे बात की जाए तो उसके भी मल्टीपल रीजंस समझ आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हानिया आमिर की वजह से इनकी जो है ना अलैहदगी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर देखें तो हानिया आमिर के साथ फरहान सईद का ड्रामा अभी आया था, मेरे हमसफर ये अभी रिसेंट ड्रामा आया था, लेकिन इनके जो तनाजात चल रहे थे वो अरसे से चल रहे हैं। तो हो सकता है हानिया आमिर इस बात की वजह ना हो। फिर कुछ लोग इसको सोनिया हुसैन से भी जोड़ रहे हैं कि सोनिया हुसैन की वजह से इनकी तलाक हो रही है या अलहदगी हो रही है, तो उसमें भी यही बात मैं कहूँगी कि कोई बात प्रॉपर्टी सामने नहीं आई तो हम कुछ भी वसूख से नहीं कह सकते, क्योंकि सोनिया हुसैन के साथ फिल्म आ रही थी उनकी, तो उस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या वो एक साथ देखे जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात नहीं कन्फर्मेशन से कही जा सकती। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि कल जैसे मैंने आपको बताया था इमरान अशरफ और किरण अशफाक के बारे में कि उनकी भी डिवोर्स कन्फर्म हो गई है, तो यहाँ पर हर दूसरे जोड़े में ये मसले मसाइल देखने को मिल रहे हैं कि उनकी तलाक हो गई है, मल्टीपल रीजन उसके सामने पेश कर दिए जाते हैं, कहीं पे शोहर सही नहीं है, कहीं पे बीवी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब करार दे दिया जाता है, तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि ये एक परफेक्ट जोड़ा है स्क्रीन पर, इतना खुशबाश नज़र आने वाले जो जोड़े हैं हमारे, ये असल में इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब जिस तरह अगर हम बात करें सारा खान और फलक की, तो इनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। फलक जिस तरह अक्सर वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती हैं जिसमें फलक सारा को फ्लावर्स दे रहे होते हैं और गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तो वो लोग उस चीज़ को बहुत सराहते हैं, तो यहाँ पर इन इस कपल को भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता था, लेकिन अब उनके बीच में भी ये तलखियाँ देखने को नज़र आ रही हैं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं इसमें। अच्छा, और एक और मज़े की बात, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी रिसेंटली ही एक वेडिंग शूट वायरल हुआ जो हानिया आमिर और फरहान सईद का था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि इनकी शादी हो गई है, कि ये तो इनके, क्योंकि वो प्रॉपर एक वेडिंग शूट था, उसमें माइयों मेहंदी बारात वलीमा सारे शूट से, तो लोगों को लगा कि इनकी शादी हो गई है। और उर्वा, क्योंकि उर्वा तो किसी बात में कुछ बोल ही नहीं रही, उर्वा अपना काम कर रही है, फरहान अपना काम कर रहे हैं, तो इनकी बात कुछ समझ में आ नहीं रही, एक खिचड़ी सी पकी हुई है कि बीच में बात क्या है जो बाहर आके नहीं दे रही। फरहान सईद ने पिछले साल कहा था कि वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको वो शेयर नहीं करना चाहते किसी से, वो पब्लिकली उस पर बात नहीं करना चाहते, और हम दूसरों की प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो इस वजह से हम उसको कुरेद भी नहीं रहे बात को। लेकिन यहाँ पर जो वो एक साथ नज़र आते हुए भी खिंचे खिंचे नज़र आ रहे थे, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब फरहान और उर्वा की बात छोड़ देते हैं क्योंकि उसके तो हमें मामले का ही नहीं पता, तो वापस आ जाते हैं फिल्म पे, टच बटन पे। टच बटन 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म भी द लेजेंड्स ऑफ मौला जट की तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की नज़र हो जाएगी, क्योंकि उसमें जैसे कि हमने आपको बताया था कि 70% सिनेमाघरों में वो फिल्म चलाई ही नहीं गई थी, और लोगों ने उस बात में बहुत ज़्यादा शोर भी किया था, और फिर भी वो फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि इस फिल्म के साथ क्या सलूक होगा, क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की नज़र हो जाएगी या ये फिल्म उससे ज़्यादा बिजनेस कमाएगी। आप लोगों से गुजारिश यही है कि जब ये फिल्म लगे तो जाइएगा और इसको सिनेमा में जाकर देखिएगा, और हाँ, वो जो यूट्यूबर्स हैं जो आके फिल्म देखते हैं और फिल्म की फिल्म बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपने फ़ोन्स जो हैं वो बाहर ही रख कर जाइएगा और ये काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक किसी ने इतनी मेहनत से बनाई है वो फिल्म, अपना पूरी जान मार दी है उसमें, इतने अरसे से उस पर काम चल रहा था और अब वो कंप्लीट हुई है, किसी का सरमाया लगा हुआ है उसमें, तो आप प्लीज़ ये सब ना कीजिएगा और जाकर फिल्म को इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।